भूख क्या होती है उससे पूछिए जिसके घर दो वक्त के खाने के लिए निवाले ना हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पप्पू रॉय की, जो भूख से लड़कर क्रिकेट खेलने का सपना पूरा किया है। बता दें कि स्पिनर पप्पू रॉय देवधर ट्रॉफी के लिए अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली भारतीय सी टीम में चुना गए हैं। लेकिन कोलकाता के इस लड़के की कहानी बहुत ही मार्मिक है। बता दें कि पप्पू ने जब मम्मी पापा कहना भी शुरू नहीं किया था, तब उन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया। अपने नए राज्य ओडिशा की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद देवधर ट्रॉफी के लिए चुने गए पप्पू ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब प्रत्येक विकेट का मतलब होता था कि उन्हें दोपहर और रात का पर्याप्त खाना मिलेगा। पप्पू ने अपने मुश्किल भरे दिनों को याद करते हुए कहा, भैया लोग बुलाते थे और बोलते थे कि बॉल डालेगा तो खाना खिलाऊंगा, और हर विकेट का 10 रुपये देते थे। उनके माता पिता बिहार के रहने वाले थे, जो कमाई करने के लिए बंगाल आ गए थे। बता दें कि पप्पू ने अपने पिता जमादार रॉय और पार्वती देवी को तभी गंवा दिया था जबकि वह नवजात थे, यानी कि बहुत छोटे। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था, जबकि उनकी माँ लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी। पप्पू के माता पिता बिहार के सारण जिले में छपरा से 41 किलोमीटर दूर स्थित खजूरी गांव के रहने वाले थे और काम के लिए कोलकाता आ गए थे। वह अपने माता पिता के बारे में केवल इतनी ही जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।